की सर्वाइवल सीरीज में वेलकम। एक मरतबा फिर हम एक नई सीरीज के साथ आपके पास आए, नए प्रोग्राम के साथ। हमसे बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास वेपन है, लाइसेंस है, एमनेशन है, लेकिन हम टारगेट प्रैक्टिस कहाँ पर करें, हम अपने हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका कहाँ जाकर सीखें। लोग हमसे सवाल करते हैं कि शहरों में हमें कोई फायरिंग रेंज नहीं मिलती। हमसे ये सवाल करते हैं कि फायरिंग रेंजेस जो हैं शहरों में उनकी मेंबरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। दैट इज़ करेक्ट। कराची में एक दो जगह के ऊपर फायरिंग रेंजेस हैं, PNS का अरसाज पर है, कंट्री क्लब एक है वहाँ पे, लाहौर में भी एक आध गन क्लब खुला है, इस्लामाबाद में भी एक गन क्लब है। इस्लामाबाद वाले को तो हम जानते हैं, 5-6 लाख रुपए तो सिर्फ मेंबरशिप फीस है उनकी। आज का जो हमारा सीक्वल है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि फायरिंग रेंज होती क्या है, कानूनी तौर पर लीगली आपके क्या राइट्स हैं, क्या सहूलत आप इस्तेमाल कर सकते हो पाकिस्तानी शहरी होते हुए, और कौन सा वेपन, जब आप टारगेट रेंज अपनी बनाते हैं तो वहां पर किस किस्म के टारगेट्स होते हैं, किस किस्म का वेपन किस टारगेट के लिए या कौन सा टारगेट किस वेपन के लिए बनाया जाता है। देखिए, जिस तरह आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो कानूनी तौर पर कोई आपको गाड़ी चलाने से नहीं रोक सकता। ये हो सकता है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोके, आपसे कागजात तलब करे, लाइसेंस चेक करे और फिर आपको जाने दे अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। एग्जैक्टली यही कानून हथियार के मामले में भी अप्लाई होते हैं। अगर आपके पास कानूनी लाइसेंस है, कानूनी वेपन है, आपके पास सारी सरकारी परमिशंस हैं पिस्टल या रिवॉल्वर या शॉटगन या राइफल को अपने पास रखने की, तो फिर अगर आप किसी भी महफूज जगह पर जाकर उसको प्रैक्टिस करते हैं, टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, उस हथियार को चलाना सीखते हैं, तो कानूनी तौर पर आप पर कोई गिरफ्त नहीं है। पुलिस वाला हो सकता है इलाके में कोई आपको रोक के पूछे कि आप हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइसेंस दिखा दीजिए, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, आपकी गाड़ी के कागजात दिखाते हैं, इतना काफी है, इसके बाद मजीद कोई कानूनी जुर्म आप नहीं कर रहे। जो बुनियादी कायदा है हथियार इस्तेमाल करने का, कि आप हथियार वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेनिंग या प्रैक्टिस वहां कर सकते हैं, फायरिंग रेंज वहां बना सकते हैं जो शहरी आबादी से दूर हो, जहां पर किसी शहरी आबादी का सेक्शन 144 लगाया या कानूनी तौर पर कोई पाबंदियां जो हुकूमत और रियासत की हैं वो वहां अप्लाई ना करती हों, और आप ऐसी महफूज जगह पर हों कि किसी की जान और माल को खतरा ना होता हो। जिस तरह हम इस वक्त इस्लामाबाद के मजाफात में एक जंगल में आए हुए हैं, एक पहाड़ी, एक हमारे पास एक गांव है, उस गांव के अंदर आप जैसे पीछे देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, एक छोटा सा पहाड़, उसके आगे हमने अपने टारगेट्स लगाए हुए हैं। इस तरह की पूरे पाकिस्तान में कोई भी जगह आप तलाश कर लें, किसी भी शहर में रहते हो, शहर से थोड़ी देर बाहर जाइए, आप पहाड़ों में आ जाएंगे, आप रेगिस्तान में आ जाएंगे, आप जंगलों में आ जाएंगे, आप ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहां कोई शहरी आबादी नहीं है। शहरों के अंदर जो रेंजेस बनी होती हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरह होती हैं जो हमने यहां पर अपनी रेंज बनाई है। जो बुनियादी कायदा है एक फायरिंग रेंज का, जो पहला कानून है, जैसे हमने कहा कि शहरी आबादी से हटकर महफूज जगह, ताकि आप जब हथियार इस्तेमाल करें तो किसी को डिस्टर्ब ना करें, कोई खौफ हरास ना फैले, लोगों को जख्मी होने का कोई चांस ना हो। और सबसे बड़ी जरूरत उसकी यह है कि जहां भी आप टारगेट रेंज बनाए उसके पीछे एक दीवार होना जरूरी है। जैसे ये दीवार आप देख रहे हैं कि ये एक मट्टी की बहुत बड़ी दीवार है और हमने बिल्कुल उसके सामने ही अपने टारगेट्स लगाए हैं। कभी भी टारगेट ऐसी जगह पे नहीं लगाएं कि जहां पर आपकी गोली दूर तक सीधी जा सकती हो, क्योंकि आपकी निगाह नहीं देख सकती लेकिन गोली आगे जाकर के जंगल में आप फायर कर रहे हैं या झाड़ियों में आप फायर कर रहे हैं या खुले मैदान में फायर कर रहे हैं तो आगे किसी को वो नुकसान पहुंचा देगी। लिहाजा सबसे जरूरी बात यह है, जिसको बुलेट स्टॉप कहते हैं, गोली रोकने का कोई इंतजाम, कोई भी फायरिंग रेंज हो, इवन अगर शहरों के अंदर भी आर्मी की और पुलिस की फायरिंग रेंजेस बनी होती हैं तो वो बनती इस तरह है कि पहले एक ऊंचा सा पहाड़ वो बनाते हैं, उस पहाड़ के सामने इस तरह ये टारगेट लगाए जाते हैं। सो पहली कंडीशन फायरिंग रेंज की है, शहर से बाहर जाएं, जंगलों में जाएं, देहात में जाएं, खेतों में जाएं, पहाड़ों में जाएं और इस तरह की कोई जगह बनाएं, तलाश करें जिसके पीछे एक पहाड़ हो। और इसके बाद आप मुख्तलिफ टारगेट्स लगाते हैं इसके आगे। मैं मुख्तलिफ टारगेट्स इसलिए कह रहा हूं कि पिस्टल का टारगेट मुख्तलिफ होता है, राइफल का टारगेट मुख्तलिफ होता है, बहुत सारी बातें ध्यान रखने की होती हैं
जब आप एक फायरिंग रेंज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो रेंज हमने बनाई है इसको हम शॉर्ट रेंज कहते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि हम 30, 40, 50 गज, 20 गज, 10 गज के फासले के ऊपर हम खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइफल से भी और पिस्टल से। जो लॉन्ग रेंज होती है वो 100 गज से शुरू होती है और 600 गज तक जाती है, यानी वो लंबी राइफल की प्रैक्टिस करने के लिए होती है, वो पिस्टल के लिए या शॉटगन के लिए नहीं होती। शॉर्ट रेंजेस जो है इस पर आप शॉटगन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि शॉटगन की रेंज 50, 60, 70 गज होती है, या आप पिस्टल प्रैक्टिस करते हो, या अगर राइफल भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे आपने अभी हमें राइफल प्रैक्टिस करते देखा, तो वो भी टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए, यानी सेल्फ डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रूम क्लियरेंस के लिए जब आप राइफल ऑपरेशंस करते हैं तो आप शॉर्ट रेंज इस्तेमाल करते हैं। अब जो चीज इसमें नोट करने की, आए आपको मुख्तलिफ तरह के टारगेट्स बताते हैं। एक मेटल की प्लेट है, ये तकरीबन एक मजबूत स्टील की प्लेट है, और इस स्टील की प्लेट पर आपके सामने मैंने पिस्टल से एक राउंड फायर किया था। वो राउंड इसने निशान डाल दिया, खड्डा डाल दिया, लेकिन पिस्टल की गोली इसके अंदर से गुजर के नहीं गई। ये भी एक स्टील प्लेट है, इसमें कुछ एक सुराख हुए हैं, ये सुराख हुए हैं कि जिनमें से राइफल की गोली गुजर गई है, कुछ एक वो जगह है कि जहां पर निशान पड़ा हुआ है लेकिन गोली यहां से नहीं गुजरी। ये भी बहुत मोटी स्टील प्लेट है और आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई राउंड गुजर के नहीं गया, इसके अंदर से सारी स्टील की प्लेट के ऊपर निशानात लगे हुए हैं। और ये गत्ते के हैं, ये पेपर टारगेट्स, ये पेपर टारगेट्स में जाहिर है जो भी गोली हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे शॉटगन हो, चाहे राइफल हो, वो इसमें गुजर जाएगी और पीछे दीवार में जाएगी। अब इनका फर्क क्या है, देखिए एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो स्टील की प्लेट्स होती है, ये स्टील की प्लेट्स जो कि खासतौर पर इतनी मोटी और मजबूत हो कि जिनमें से गोली गुजर के नहीं जाती, इनमें यह खतरा होता है कि गोली टकरा कर इससे वापस आएगी, रिकोशे करेगी, वापस आएगी और फायर करने वाले को लगेगी। लिहाजा आप स्टील की प्लेट पर जब फायर करते हो तो लाजमन इतना फासला कम से कम रखना चाहिए 100 गज का कि अगर गोली टकरा कर वापस भी जाती है तो वो फायर करने वाले को या आसपास किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। नाउ अब इसमें चूंकि थिकनेस मुख्तलिफ है, जिस तरह ये वाली जैसे हमने कहा कि पिस्टल की गोली इसने रोक ली है लेकिन राइफल की गोली इसमें से गुजर जाएगी, गुजर के पीछे मट्टी में चली जाएगी। सो शॉर्ट रेंज पर भी मैं इस पर राइफल से फायर कर सकता हूं, पिस्टल से फायर थोड़ा फासला बढ़ाकर, इतना क्लोज रेंज अगर मैं फायर करूंगा क्योंकि गोली इस पर टकराएगी, टूटेगी, उसके टुकड़े उड़ेंगे और एक रिस्क होता है कि आपके चेहरे पे या जिस्म पे कहीं पे उसके टुकड़े ना टकरा जाए। नाउ जो इस तरह की प्लेट है, जो बहुत मोटी प्लेट है जिसमें से कोई गोली नहीं गुजर सकती, इसको क्लोज रेंज पर इस पर फायर करना खतरनाक है, चाहे पिस्टल से फायर करें या राइफल से फायर करें, डेंजरस है। इसके लिए कम से कम ये बनी ही इसलिए है कि 100 गज, 200 गज, 300 गज की रेंजेस पर आप इसको इस्तेमाल करें। गोली इस पर टकराएगी, बिखर जाएगी, वापस भी जाएगी, अगर दाएं तरफ जाएगी तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लोज रेंजेस के लिए जब आप बिल्कुल सर पर खड़े होकर क्लोज रेंजेस पर फायर करते हैं, चाहे राइफल हो, पिस्टल हो या शॉटगन हो, तो आइडियल उसके लिए पेपर टारगेट है। जो आपने देखा यहाँ पे हमने पेपर टारगेट लगाया हुआ है, एक सिर्फ एक गत्ते का टुकड़ा है, गत्ते के टुकड़े को हमने उसके ऊपर हमने प्रिंट आउट निकाल के लगा दिए, और ये आपको एक अच्छा टारगेट प्रैक्टिस देता है कि आपने अपनी वेपन हैंडलिंग, फायरिंग, चाहे राइफल से हो चाहे पिस्टल से हो, आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर टारगेट का फायदा यही है कि आप जो खराब हो जाए आप रिप्लेस करके दूसरा लगा दें, कॉस्ट भी कोई नहीं है, गत्ते के टुकड़े हैं खाली, प्रिंट आउट्स हैं कागज के, फोटो सेट करा के बहुत सारे रख लें अपने पास। अगेन जैसे कहा कि पीछे चूंकि मिट्टी की दीवार है लिहाजा हर गोली इसमें से गुजर जाएगी, चाहे शॉटगन हो या पिस्टल हो या राइफल हो, वो इसमें से गुजर जाएगी और पीछे, और आपके पास अपना टारगेट भी होता है जो आपको बता देता है कि आपने फायरिंग किस तरह की है, आपने कितना मिस किया है, ग्रुप कितना बड़ा बनाया है। जो चीज इंपॉर्टेंट है फायरिंग रेंज के ऊपर, जैसे हमने बताया आप कि जिस तरह गाड़ी चलाना सिर्फ स्टेयरिंग पर बैठने का काम नहीं है, आपको ट्रैफिक रूल्स भी मालूम होने चाहिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गाड़ी में अगर कोई खराबी पैदा हो जाती है चलते चलते, ब्रेक्स फेल हो जाए, उसके हैंड ब्रेक काम ना करे, गाड़ी के अंदर आवाजें आने लगे, तो उस वक्त आपने कैसे मैनेज करना है, गाड़ी के शीशे को इस्तेमाल करना, उसको रिवर्स करना, उसको मुख्तलिफ तरीकों से। सो ड्राइविंग सिर्फ स्टेयरिंग पर बैठना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह हथियार चलाना सिर्फ ट्रिगर दबाने का नाम नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने कहा कि मैंने गन कॉक कर दिया और निशाना लिया और फायर कर लिया और मुझे हथियार इस्तेमाल करना आ गया। वेपन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या आपको ये आपने अगर नोट किया शुरू में जब हम फायर कर रहे थे, तो मैंने जब क्लाशनकोव से 3-4 राउंड फायर किए तो मैंने उसके बाद पिस्टल निकाला, लेकिन क्लाशनकोव को नीचे रखने से पहले मैंने सेफ्टी लगाई, ये नहीं किया कि मैंने इसी तरह क्लाशनकोव को नीचे लटका दी, क्योंकि राउंड एक चेंबर में मौजूद है इसकी। ये अवेयरनेस
ये सेफ्टी हैंडलिंग प्रोसीजर, ये कि हथियार के मामले में आप कैजुअल ना हो किसी सूरत में, कभी किसी फर्द की तरफ ना करें, किसी आस्त ना करें। अगर हथियार किया, फायर किया और सेफ्टी लगाई और नीचे लटका दिया, और उसके बाद मैंने वेपन ड्रॉ किया यहां से अपना, उसको कॉक किया, टारगेट पे फायर किया, और फिर क्योंकि ग्लॉक है, ग्लॉक में सेफ्टी नहीं होती, सेफ्टी सिर्फ आपकी फिंगर है, लिहाजा वापस इसको एहतियात से अपने होल्स्टर में डाल दिया। नाउ वेपन हैंडलिंग, जो फायरिंग रेंज पर आप आते हैं, तो ये सब आपने प्रैक्टिस करना होता है। आपने ये प्रैक्टिस करना है कि फायर टारगेट पे पहले निशाना पुख्ता करना है आपने, कि आपने खड़े होकर पहले प्रैक्टिस करना है। जब एक दफा अपने वेपन से आपका निशाना आपके टारगेट पे लगना शुरू हो गया, आपने छोटा सा ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, यू आर श्योर कि जब आपको जरूरत है किसी टारगेट पे हिट करने की, तो आप 3-4 गोलियां उस पर ठोक सकते हैं। उसके बाद उससे अगला स्टेप होता है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कभी आप मूव करते हुए फायर करते हैं, कभी पीछे हटते हुए फायर करते हैं, कभी आप साइड पे जाते हैं, कभी आप उठते बैठते हैं, कभी आप किसी आड़ के पीछे से फायर करते हैं, कभी फायरिंग के दरमियान मैगजीन चेंज करते हैं। अब ये प्रैक्टिसेस आपको फिर साथ साथ करते रहना है, यानी मिसाल के तौर पर जब हमने फायर खत्म कर लिया, अब मेरा मैगजीन खत्म हो गया, तो आई हैव टू चेंज द मैगजीन। अब मैंने मैगजीन किस तरह चेंज करना है, साथ वो चेंज किया, गन को कॉक किया, एंड आई एम रेडी टू फायर अगेन। ये प्रोसीजर भी आपको साथ साथ फायरिंग रेंज के ऊपर, फायरिंग रेंज ही वो जगह है जहां पर आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे कि कहा कि सबसे सेफ टारगेट्स जो हैं, दे आर द पेपर टारगेट्स, क्योंकि इसमें से गोली गुजर जाएगी, पीछे पहाड़ है, आपको यह घबराने की जरूरत नहीं है कि गोली मेटल प्लेट से टकरा के, क्योंकि ये मेटल प्लेट्स बहुत सॉलिड हैं, इनके अगर आप गोली इस पर टकराती है तो लाजमन वापस आती है या किसी और तरफ बिखर जाती है। ये मेटल प्लेट, इसकी चूंकि थिकनेस का आपको अंदाजा है, राइफल की गोली इसमें से गुजर जाएगी, सो यू कैन फायर अ राइफल एट इट। लेकिन आप पिस्टल इस पर जब फायर करते हैं क्लोज रेंज से, तो गोली के टुकड़े भी उड़ते हैं और वो नुकसान देने का अंदेशा होता है। बाद आपने देखा जिस तरह ये प्लेट आपने देखी, तो ये लटक रही है, झूल रही है। अब चूंकि ये प्लेट बहुत भारी है, लिहाजा पिस्टल की गोली से ये बहुत ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बास प्लेटें, जिस तरह अगर हम इस थिकनेस की प्लेट को झूलने वाली प्लेट बनाएं, तो फिर भी आप क्लोज रेंज से फायर कर सकते हैं, क्योंकि जब गोली टकराती है इसको, तो ये प्लेट पूरी की पूरी पीछे हिल जाती है और गोली इससे टकरा के वापस आने के बजाय जमीन की तरफ या पीछे की तरफ चली जाती है। तो जैसे कहा कि आप लोग अगर अपनी फायरिंग रेंज बनाना चाहते हैं, तो पहले किसी वीरान इलाके का इंतखाब करें। सिंपल प्रोसीजर हम आपको बताते हैं, वीरान इलाके में जाएं, अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, लाइसेंस रखें, अपना वेपन रखें, जितने कार्ट्रिज आपको अलाउड हैं उतने रखें, उससे ज्यादा ना रखें, गैर कानूनी काम ना करें। और फिर टारगेट बनाकर किसी पहाड़ के सामने, इसी तरह जिस तरह गत्ते के टारगेट हमने ऊपर लगाए हुए हैं, इन टारगेट्स को लगाएं, 10-15 कदम के फासले पे जाएं और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ पहले फायर करके अपना निशाना दुरुस्त करें। जब निशाना दुरुस्त हो जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट शुरू करें। और इसकी जो हमारी बाकी ट्रेनिंग वीडियोज हैं BrassTacks सर्वाइवल सीरीज की, उनको देखिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं पिस्टल हैंडलिंग की, राइफल हैंडलिंग की, उनको देखिए। और इंशाल्लाह बगैर किसी एक्सपेंस के, बड़े बड़े क्लब्स के मेंबर बने बगैर भी, आप एक अच्छी फायरिंग रेंज, शॉर्ट रेंज अपने लिए बना सकते हैं और कानूनी तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं, कि जो लाजिम है कि अगर हथियार आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी आपको आता हो, आपकी सेफ्टी के लिए, फैमिली के सेफ्टी के लिए, और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए। एक आदमी जिसको हथियार का इस्तेमाल नहीं आता, जो गन हैंडलिंग प्रोसीजर नहीं जानता, जो सेफ्टी प्रोसीजर नहीं जानता, उसके हाथ में हथियार देना ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में हैंड ग्रेनेड दे दें, आप किसी भी वक्त वो पिन निकाल सकता है, सबको नुकसान हो जाएगा। तो एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन आपको दिखाई, अब थोड़ा सा कुछ फायरिंग प्रैक्टिस आपको और दिखाते हैं, और इसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह आपका हाफिज व नासिर व मालिक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। I realize that there is threat at my back. देखिए, इस वक्त मैं कैजुअल हूँ, आपसे रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ। जिस लम्हे आपको अंदाजा हुआ है कि थ्रेट पीछे है या किस तरफ भी है, आपके सारे सेंसेस ऑन होके आप एक बिल्कुल टाइगर मोड में आ जाएंगे। यू विल कम इनटू वेरी अलर्ट मोड, और उसमें पैनिक नहीं है, आप काम तेज कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो जो सारे फंक्शन आपके हैं, जो ट्रेनिंग आपने की हुई है, यहाँ पे फिर वो काम आती है। अगर ट्रेनिंग नहीं की तो आप पैनिक कर जाओगे। सो आई एम रिलैक्स, आई एम टॉकिंग टू यू, एंड सडनली आई रियलाइज देयर इज अ थ्रेट। I draw my gun, I come back, I lose my magazine,
मल्टीपल हिट्स ऑन द टारगेट आपने देखा कि हमने मैगजीन चेंज करने में वक्त नहीं जाया किया जो मैगजीन था ड्रॉप कर दिया बाद में उठा लेंगे अब नाउ वी कैन थ्रेट इज ओवर वी कैन पिक इट अप राउंड इज इनसाइड ट्राई विद माय लेफ्ट हैंड नहीं नहीं यस सर Center, hit. Center, bullseye. Alhamdulillah. Left hand works fine. Good. You should know how to fire with both the hands. Mera pistol mere holster mein. Aur maine round chamber nahi kiya hua hai. Theek? Round mera chamber nahi. Normally ye hota hai, you take it out, aap ise cock karte. Theek? Now, सिनेरियो आप पर पहले फायर आता है आपका हाथ जख्मी हो जाता है योर राइट हैंड इज डाउन लेफ्ट हैंड इज डाउन यू कांट यूज योर लेफ्ट हैंड नाउ ठीक अब आपके पास पिस्टल है लेकिन आप इसको चेंबर नहीं कर सकते राउंड को राउंड चेंबर करना है ना आपको उसके लिए लेफ्ट हैंड चाहिए यू डोंट हैव योर लेफ्ट हैंड इंजर्ड जख्मी हो गया चोट लग गई है फायर आ गया कुछ लग गया व्हाटएवर हैपेंस नाउ यू ओनली दिस सो हाउ डू यू चेंबर योर वेपन खासतौर पर ये ग्लॉक वाला जो है सो देयर इज अ टेक्निक उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन जस्ट टू शो इट टू यू विल सी दैट इज यू टर्न योर फुट अराउंड लाइक दिस अपने पांव को आपने ऐसे किया और इस गन की जो स्लाइड है अपने जूते पे रखी और नाउ इट्स चेंबर्ड गॉट इट नाउ द राउंड इज चेंबर्ड नाउ आई कैन फायर इवन विद वन हैंड इवन इफ माय लेफ्ट हैंड इज नॉट फंक्शनिंग Got it? So that is one technique. Now, there is another technique. अब मैंने राउंड चैम्बर कर लिया ओके सो नाउ आई फायर एक हाथ से मैं फायर कर रहा हूँ अब फायर करके जब आखिरी राउंड मैंने फायर किया होगा व्हेन आई फायर द लास्ट राउंड पीछे रुक जाएगा ये ऐसे रुक जाएगा आगे अब मैं मैगजीन कैसे चेंज करूँगा ठीक हाउ विल आई चेंज द मैगजीन अगेन मेरा लेफ्ट हैंड अवेलेबल नहीं है सो हाउ विल आई डू इट अगेन अगेन द टेक्निक इज आई बेंड डाउन ऑन माई नी इस गन को मैं यहां फंसाऊंगा ऑलराइट और इस हाथ से मैंने दूसरा मैगजीन निकाला इसमें डाला इन आई गेट अप आई रिमूव द सेफ्टी एंड आई एम अगेन रेडी टू फायर गॉट इट यस सर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बाद में टारगेट एंगेज करेंगे दो गन्स के साथ वॉट विल डू एक राउंड हमने राउंड इसमें चेंबर कर लिया राउंड चेंबर्ड है इसमें और राउंड चेंबर्ड है इसमें ऑलराइट सो व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू गन्स व्हिच आर कॉक्ड राउंड चेंबर्ड एंड नाउ वी विल टेक टू टारगेट वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट एंड वी विल सी हाउ एक्यूरेट वी कैन बी ठीक ऑलराइट But I've fired about 20 rounds. Hopefully, I've downed the target. You know. So this is another technique that you should practice: firing with two guns, both hands at the same target. एक बात जो नोट करने की है कि जब आप टारगेट पे हिट करते हैं, तो तीन बातों का ध्यान करना लाजिम है। पहली बात ये कि क्या मैंने टारगेट को हिट किया? पहला सवाल दूसरा सवाल क्या मैंने जो उसको हिट किया है उसकी वजह से दुश्मन को मैंने गिरा लिया है इस काबिल कर दिया है कि अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता यानी यह भी हो सकता है कि आपने घुटने में गोली मारी हो उसको और उसके हाथ में चाकू है या गोली है वो फिर आप पे फायर कर सकता है आपने अगर दुश्मन को इंडियन आर्मी सोल्जर को किसी खारजी को किसी TTP वाले को नॉकडाउन करना है तो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप जब उसको हिट करें तो वो उसके बाद उठे नहीं और तीसरी चीज़ जो आपने फ़ौरन सोचनी है कि क्या वो अकेला है या उसके साथ उसके और साथी भी हैं मैं रिलैक्स हो जाऊं या मैं और थ्रेट्स का इंतज़ार करूं यू अंडरस्टैंड सो व्हेन यू हैव द गन इन योर होल्स्टर अब मुझे क्या देखना है कि व्हेन एवर आई सी अ थ्रेट आई ड्रॉ माई गन आई एम आई हिट टू
जब दो हिट किया मैंने तो आई एम श्योर कि ही इज डाउन नाउ, अब वो कैपेसिटी नहीं, कम अज कम इसलिए डबल टैप कहते हैं इसको, यू हिट ट्वाइस ठक ठक एंड नाउ आई एम वेटिंग, इज देयर एनी अदर थ्रेट, आई सी नो थ्रेट, काम डाउन ईजी, नाउ आई कैन रिलैक्स, यू अंडरस्टैंड, दिस यू हैव टू प्रैक्टिस, डबल टैपिंग द टारगेट, सिंगल शॉट नहीं करना, डबल टैप करना है और थोड़ी देर तक अलर्ट रहना है ये नोटिस करने के लिए कि आपने टारगेट को, टारगेट के कोई और साथी तो नहीं है, एक टारगेट के अलावा मल्टीपल टारगेट्स तो नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, सो अगेन वी डू द ड्रिल इस तरह वाइल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड सडनली वी सॉ दैट द थ्रेट, वी ड्रॉ टू हिट्स एंड वी वेट, गुड नफ, नो थ्रेट, खलास, रिलैक्स, पुट इट बैक, यू हैव टू हैव गुड रेट ऑफ फायर, एक्यूरेसी एंड लो, ताकि आप खुद छोटा टारगेट बने, ये वो मूवमेंट है कि जब आप दुश्मन की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप सीधे खड़े होकर नहीं जा सकते, आप बहुत बड़ा टारगेट बन जाएंगे, आपको नीचे होना, तो यू गो लो एंड यू गो फास्ट, इसका मकसद ये है कि दुश्मन पे आप इतना हैवी रेट ऑफ फायर गिराएं कि दुश्मन सर नहीं उठा सके अपने मोर्चों में से, और जो फ्रेंडली फोर्सेस हैं जो आपके साथ आपके दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको मौका मिले आगे बढ़ने का, तो इसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा जितना दुश्मन को दबा के रखना है। साया